construction of graphs. How to construct a graph? In the first step, draw two simple lines which intersect each other at right angles. These lines are called axes. J होती है x axis, J होती है y axis. Negative quadrant में ये x dash, that is negative quadrant of x axis, negative quadrant of y axis. इसमें first quadrant, quadrant one में x भी positive, y भी positive. ऐसा question बन सकता है ना छोटा सा कि in quadrant three x is negative, y is positive, true or false? Yeah, what will be the situation in quadrant three? नीचे आपको चार options दे रखे हैं. बड़े सिंपल टुच्ची सी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा ना तो कुछ बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि क्वाड्रेंट माइनस एक्स प्लस वाई क्या बातें कर रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव है और उसकी वाई वैल्यू भी पॉजिटिव है. क्वाड्रेंट टू में अब आप इधर आ गए हो तो एक्स की तो नेगेटिव वैल्यू हो गई बट वाई की पॉजिटिव है. क्वाड्रेंट थ्री में कोई भी पॉइंट होगा उसका y भी नेगेटिव, उसका x भी नेगेटिव. क्वाड्रेंट फोर में कंफ्यूजन होती है ना, क्वाड्रेंट फोर में तो सब नेगेटिव होता होगा. नहीं, आप x के पॉजिटिव साइड पे आ चुके हो. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैंने देखा है कि एरर कर देते हैं बच्चे क्योंकि ध्यान नहीं देते. इतनी छोटी है, हम कहते हैं अच्छा बताओ ना ग्राफ कैसे बनेगा, हम सीधा ग्राफ बनाने पर आ जाते हैं. तो प्लीज बी केयरफुल. क्वाड्रेंट वन टू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कुछ बच्चे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं उसे कि क्वाड्रेंट टू नीचे कर दिया. नो, ऐसे क्वाड्रेंट वन से क्वाड्रेंट टू से क्वाड्रेंट थ्री से क्वाड्रेंट फोर. ओके, इंपॉर्टेंट है, बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए. ये ओरिजिन होता है. इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स बनते हैं तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है, वहां पे भी आपको छोटी सी चीजें काम आएंगी. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमेशा प्लॉट करें. वाई ये नेगेटिव क्वाड्रेंट ऑफ वाई, वाई डैश नेगेटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स, एक्स डैश. वन टू थ्री फोर. ओके ओके ओके. क्वाड्रेंट वन इज शोन रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. क्वाड्रेंट टू इज शोन वेयर वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव. क्वाड्रेंट थ्री इज शोन वेयर बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव. क्वाड्रेंट फोर, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव. ये बस इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए. स्टेप वन, लाइने की जो The horizontal line is x-axis, vertical y-axis. Okay. ठीक है. By convention, the independent variable is normally measured along the x-axis. Independent variable and the dependent variable on the y-axis. The horizontal scale, ठीक है, the y-axis should have a scale beginning from zero. तो वो points zero से start करेंगे. Okay. Select an appropriate scale. 1 centimeter is 10,000 rupees या 10 workers. वो तो depend करेगा ना कि हम study क्या कर रहे हैं. उस हिसाब से कह रहे जितनी भी आपका range of data है, एक appropriate scale choose कर लो. आपने marks करने थे 100, तो अगर 2 to 2 का distance लोगे तो 50 थोड़ी ना आप उसमें boxes बनाओगे. कह रहे उसको आप 10-10 कर दो. Size appropriate होना चाहिए. फिर plot the data accordingly. Important point है. ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? उन्होंने बोला ना कि एक्स एक्सिस पे ले लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. एक्स एक्सिस पे ले लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वाई एक्सिस पे ले लो डिपेंडेंट वेरिएबल्स. क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट? फॉर एक्चुअल प्लॉटिंग ऑफ डेटा इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट फॉर एवरी वैल्यू आपके माइक्रो में जहां जहां ग्राफ्स बनते हैं ये चीजें यूज हो रही होती हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, प्राइस वाई एक्सिस पे. तो प्राइस पे डिपेंडेंट है मूवमेंट की. प्राइस चेंज होगा तभी तो क्वांटिटी चेंज होगी. क्वांटिटी चेंज होगी तो उतना प्राइस पे नहीं, प्राइस की वजह से क्वांटिटी चेंज होती है. क्वांटिटी की वजह से प्राइस चेंज होता है. प्राइस की वजह से क्वांटिटी, ठीक है ना. तो प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल, उस पर डिपेंडेंट है मूवमेंट. इट शुड बी रिमेंबर्ड फॉर एवरी वैल्यू of the independent variable there is a corresponding value of a dependent variable. Each pair of value is represented on the graph by a point which corresponds to the, matlab jaise agar aapka 3 4 hai, aapko 3 units of ye price tha. For example, y axis kya tha? Price. X axis kya tha? Quantity. Ab 3 rupaye pe aap 4 units le rahe ho to aise plot karenge, theek hai na. 4 units at a price of 3, ye ho jayega point.
तो ये सब बातें तो प्लीज ये सब तो आते ही आपको, बट वो क्वाड्रेंट वाला मेरा बताना फर्ज था. प्लॉट द डेटा. ओके, इफ द डेटा कंसिस्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एट डिफरेंट प्राइसेस, द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज द प्राइस विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन ऑन अलोंग द वाई एक्सिस which is an independent variable. Quantity demanded will be taken on the x-axis. In case of time series data, time factor is along the x-axis. Time series data, 1980 mein kya tha, 1990 mein kya tha, 1991 mein kya tha, 1992 mein kya tha. To tha na ki koi trend hum study kar rahe hain. To time series analysis, jahan time ke basis pe hum kuch analyze kar rahe hain. GDP ho sakti hai, kuch bhi ho sakti hai, population ho sakti hai, एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, जॉइन द पॉइंट्स, यूज इंडेक्स, डेफिनेटली कलर शेड्स, अप्रोप्रिएट टाइटल, यूज ग्राफ नंबर. तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्वाड्रेंट्स वाला था. ओके, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्केल, प्लॉटिंग, जॉइन द पॉइंट्स, इंडेक्स डायग्राम में भी होता है, ग्राफ नंबर, टाइटल. टाइटल देना जरूरी है कि कहना क्या चाहते हो. एक होती है किंक्ड लाइन. जस्ट एज वी हैव टॉक्ड ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम जीरो, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट एक्स एक्सिस फ्रॉम जीरो. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड द मिनिमम वैल्यू ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, वी मेक यूज ऑफ अ kinked line. The kinked line is shown in the figure. अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें जो वेरिएबल स्टडी करने थे उनकी वैल्यू ऐसी थी 110, 120, 130. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट्स है, ठीक है ना, वेट्स है, वेट किसी का वेट मेजर कर रहे हैं और 10 लोगों का वेट कंपेयर हो रहा है और इनकी जो रेंज है ना वो 50 टू 70 है. अब 50 टू 70 है तो उसमें 50, 54, 58, 62, 66, 70 ऐसे लूंगा तो बेटर कंपैरिजन होगा. लेकिन अगर मैं लूंगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तो सारा डेटा तो वही कॉन्सेंट्रेट रहेगा ना. 0 टू 50 तो कुछ आएगा ही नहीं. यस और नो? यस सर. तो इन सिनेरियो में जैसे हमने वहां पे ब्रोकन बार डायग्राम करा था, यस सर, वैसी होती है किंक लाइन कि अगर आपकी जो रेंज है वो वहां था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यूज होती है किंक लाइन. तो फिर आपको एक ऐसा किंक शेप में फिर ऐसे हम ग्राफ दिखाते हैं. तो कह रहे कि ये बाकी सारे गैप्स तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, 10 मार्क्स, 10 10 10 10, बट ये तो 100 है ना, तो वो हमने किंक से हाईलाइट कर दिया. ओके, किंक हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है ना. नॉर्मली इट शुड बी टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, बट अगर आप उधर कुछ ऐसा शो कर रहे हो तो नॉर्मली वाई एक्सिस को ना हमेशा जीरो से शुरू करना चाहिए. नॉर्मली वाई एक्सिस को जीरो से शुरू करना चाहिए. देखते हैं उन्होंने बताया कि नहीं बताया. बात किंक एक्स एक्सिस पे नॉर्मली यूज करना चाहिए. ये देखो बताया मैंने, इसलिए मैंने बताया ना, ध्यान से देखना. द हॉरिजॉन्टल स्केल और द स्केल ऑफ वाई एक्सिस नीड नॉट बिगिन विद जीरो. द वाई एक्सिस हाउएवर शुड हैव अ स्केल बिगनिंग विद जीरो. तो अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना. तो वही मैंने अभी हमने आया था, इसीलिए गुड क्वेश्चन. बट वो क्लियर हो गया क्योंकि जो किंक है इट इज नॉर्मली शुड बी, ठीक है ना, शुड हैव अ स्केल, शुड हैव अ स्केल मतलब एक्सेप्शनल सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है, बट रेकमेंडेड क्या है, y एक्सिस शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, x एक्सिस पे किंक कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है. ओके ओके, कोई डाउट अभी तक? नो सर.